नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे मालूम है कि आपके मन में बड़े सारे सवाल हैं, आपको पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटे, इन्हीं चीजों से आपकी लाइफ आगे बढ़िया बनने वाली है। आपने जो डिसीजन लिया है वो पूरा होने वाला है बेटे। आप सोचिए कि आपका रिजल्ट आ गया है और आप पास हैं, और आप कैसा महसूस करेंगे उस समय? आंखें बंद कीजिए और उस दृश्य को देखिए कि आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं और आप पास हो चुके हैं। कितनी खुशी होगी कि जब आप सीएस पूरे बन गए, इतनी खुशी कि उस समय कोई आपको 1 करोड़ रुपया भी दे दे तब भी उतनी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से उस चीज को पाया है। अब आप लाइफ में करोड़ों रुपए कमाओगे, लाइफ में सेटल हो जाओगे, माता पिता के सपने दूर करोगे और फिर इस सोसाइटी से जो लिया है उसको दोगे। सोचिए वो दृश्य कितना बढ़िया दृश्य होगा। मुझे आज भी जब मैं सीए पूरा क्लियर हुआ था, मुझे जो खुशी थी आज भी महसूस होती है। उसके बाद मैंने जब सीएस कंप्लीट किया, आज भी वो खुशी महसूस होती है बेटे। मैं कई बार उस खुशी को सोचता हूं, वो लम्हे मैं अपने पास हमेशा याद करता हूं। तो बेटे होते ही ऐसे, कुछ मेहनत करने के बाद जब चीज मिलती है तो बेटे मजा है ही, तो थोड़ी सी और मेहनत है मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदम, फिर तो खुशियां ही खुशियां हैं। आओ आओ आओ, शॉर्ट नोट बेटे, 38 शॉर्ट नोट को करेंगे, लेक्चर 38 देख लेंगे। बैग में आ बेटे, मैं कहीं चला गया था आप ये मत समझना कि मैं क्लास छोड़ के चला गया। बेटे मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आपसे प्यार है। आइए बेटे, लेक्चर 38, क्वेश्चन 38, आइए मेरे बेटे।
बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस मैनुअल से लिखा है, सेंसेक्स, सेन प्लस सेक्स इज सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर, सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर, सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर टू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। आराम से बेटे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आएगा आने वाला, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्रीशियस है। आपने इतने लेक्चर्स देख लिए, अब इस लेक्चर 12-13 लेक्चर्स रात बाकी रह गए हैं बेटे, नहीं देखेंगे तो इनके साथ अन्याय होगा। और बड़े सिंपल सिंपल से लेक्चर है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। सेंसेक्स, सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। आइए बेटे हम क्या करें, एक तो रजिस्टर ओपन कर ले आप, क्योंकि रजिस्टर में तो लिख ही रहे। एक बेटे अपनी CBQ बुक नंबर 2 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर, CBQ बुक नंबर 2 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इसमें क्वेश्चन नंबर 25 खोल लें थ्योरी में बेटे। ये भूपेश आनंद है जिसके नोट्स में थ्योरी भी है, आंसर्स भी है, क्वेश्चंस भी है, PPT भी है, प्रैक्टिकल भी है, कंसेप्ट्स भी है। इतनी डिमांड आ रही है हमारी बुक्स की, क्योंकि हमारी बुक्स में क्वालिटी है। इतनी पेन ड्राइव बिक रही है, इतने YouTube में लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं बेटे, खुशी है ना, आप सब हमारे हैं तभी तो काम हो रहा है। आइए सेंसेक्स आप प्लीज ओपन कर ले, मैंने बुक नंबर 2 ओपन भी कर ली, ये देखिए सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। खोली बेटे, आइए मैं दिखा दूं कहां कहां से मैंने लिए। आइए जी, प्रैक्टिस मैनुअल तो आपके पास है ही, तो बेटे प्रैक्टिस मैनुअल की धज्जियां उड़ा दी मैंने, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी में भी सब कुछ करा दिया, प्यार है ना बेटे। देखिए जी 38, सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर, सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। सेंसेक्स एक बैरोमीटर है बेटे एक नेशन का, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाइए, जो मैंने आपको कंसेप्ट बेस्ड बुक दी है नंबर 2, उसमें देखिए मैंने आपको बड़े सारे कंसेप्ट दिए बेटे, काफी सारे कंसेप्ट दिए, और उन कंसेप्ट में मैंने बेटा ये पहली बार है लाइफ में जब मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के और सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट लिए हैं। इसमें है बेटे, मुझे दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं टाइम नहीं लगा रहा इतना, मैं ये टाइम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ जी कि इसमें मैंने कहीं ना कहीं सेंसेक्स की बातें की हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, टाइम बच जाए हमारा थोड़ा सा। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, प्लीज मेहरबान कदरदान आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, सेंसेक्स इज बैरोमीटर टू नेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, सेंसेक्स क्या होता है, आइए बेटे आज इसको देखेंगे। मैं भले आंसर दे चुका हूं, लिखवा चुका हूं, दिखा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी आपको यह बताऊंगा कि आप इतना मुझे बता दीजिए,
कि आपको पता है हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट्स हैं, और कैपिटल मार्केट्स का मतलब है कैपिटल मार्केट्स में दो मार्केट्स हैं। एक मार्केट का नाम है प्राइमरी मार्केट और दूसरी मार्केट है सेकेंडरी मार्केट। ये तो आप सबको पता है कि प्राइमरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है। सेकेंडरी मार्केट के दो पार्ट्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में। एक का नाम है बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज, और बेटे एक का नाम है नेशनल 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 स्टॉक एक्सचेंज। कोई आइडिया है आपको कि इस एक्सचेंज में कितनी कंपनीज लिस्टेड होंगी? बेटे 12,000 कंपनीज, 12,000 कंपनीज लिस्टेड है। लिस्टेड हाँ, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स आप खरीद सकते हो बेच सकते हो। ऐसे ही बेटे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग इतनी कंपनीज लिस्टेड है, आप उनके शेयर्स उनके स्क्रिप्ट उनके डेरिवेटिव्स बेच और खरीद दोनों सकते हो। इसका मतलब जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उन्हीं को खरीदा या उन्हीं को बेचा जाता है, क्योंकि बेच उन्हीं को सकते हो। अब मुझे एक चीज बताइए सिंपल सी, आप जब 10th क्लास में थे, ये चलिए और पुराने 8th क्लास में थे, फिर 9th में आए, फिर 10th में आए, फिर 11th में, फिर 12th में। अब मैं सीधा आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में ले जाता हूं और फिर सीएस प्रोफेशनल में। आप इस समय यहां पर खड़े हैं, 8th क्लास से आपने होश संभाल ली थी, आज भी आपको याद है कि आप 8th क्लास में कैसे दिखते थे, आप पहनते क्या थे, आप होमवर्क करके जाते थे या नहीं, आप डरे रहते थे या नहीं, आपके मार्क्स कितने आए थे। बेटे वो सारे मार्क्स अलग अलग एक्टिविटीज से ऊपर नीचे हो रहे थे, आपके विचार जो आपके मन में थे वो बदल रहे थे, कभी कुछ सोचते थे कभी कुछ सोचते थे। और बेटे ये कार्यक्रम आज तक चल रहा है, आप प्रोफेशनल में आ गए हो। कभी ध्यान से सोचा आपने बैठ के कि आप 12th क्लास में जिस चीज से अट्रैक्ट होते थे आज उस चीज से अट्रैक्ट नहीं होते, आपको कोई दूसरी चीज अट्रैक्ट कर रही होती है। क्या है ये क्या है? विचारों का अप्स एंड डाउन्स, वाइब्रेशंस। बेटे मेडिटेशन में यही तो बात बताते हैं कि विचार आए ना विचार जाए भी ना, एक ही पॉइंट पे ध्यान से गहराई से आप उस चीज को ही देखो। मैं अब आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा मटका है, 12,000 कंपनीज हैं लगभग लिस्टेड, कम बढ़ती होती रहती है। मैं BSE और NSE को कह रहा हूं। तो बेटे इसमें अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं, इसमें अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर, टायर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। बेटे जो कंपनीज बैंक की हैं, उसके बाद टायर सेक्टर, उसके बाद बेटे स्टील सेक्टर, ऑयल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, FMCG। मैं आपसे कह रहा हूं 13-14 तरह के इंडस्ट्रीज हैं और उनकी अलग अलग कंपनीज हैं। जैसे मैं कहूं टायर इंडस्ट्री है, अपोलो टायर्स, एमराफ टायर्स, डल्लब टायर्स, सीए टायर्स, दिस टायर, दिस टायर। एक इंडस्ट्री में 10-12-15 तरह की कंपनीज, फार्मास्यूटिकल्स, रैनबैक्सी, डॉक्टर मॉर्फिन, डॉक्टर रेड्डी, अलग अलग तरह की लेबोरेटरीज, सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज, ऑयल कंपनीज, कम्युनिकेशन कंपनीज, FMCG। बेटे आप मुझे बताओ इतनी सारी कंपनीज हैं और हर रोज इनके प्राइसेस में हर रोज, जैसे मैं कोई भी डे लूं, यहां टाइम ले लेता हूं बेटे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में मूवमेंट्स मूवमेंट इन प्राइसेस ले लेता हूं।
जैसे सागर का पानी, आपने कभी नोट किया है सागर का पानी कभी शांत होता ही नहीं है, हर समय उसमें लहरें चल रही होती है, लहरें, पानी लहरों से भाग रहा होता है, आ रहा होता है, जा रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह से एक स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग तरह की मूवमेंट्स चल रही होती है, कोई शेयर ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे जा रहा होता है, न्यूज आ रही होती है, डीमोनेटाइजेशन की बातें हो रही होती हैं, एक कंपनी की बातें हो रही होती हैं, एक एमडी की बातें होती हैं। बेटे इतने हजारों फैक्टर्स हैं, मैं क्या बताऊं, मैं अब उन फैक्टर्स में नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं उन फैक्टर्स की वजह से किसी भी कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। तो मैं अगर रोज 12,000 कंपनियों का प्राइस चेक करना शुरू कर दूं तो बेटे ये तो बड़ा ही जबरदस्त प्रॉब्लम वाली बात होगी। 12,000 कंपनियां, अगर मैं रोज उनके प्राइस की मूवमेंट को देखूं तो मेरे लिए तो ये टीडियस टास्क है। जैसे आपके स्कूल में इंस्पेक्शन जब होती थी, जब आपके स्कूल में इंस्पेक्शन होती थी, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, तो बेटे आपको पता है आपके स्कूल से आपके आपकी क्लास से एक मॉनिटर को बुलाते, मॉनिटर बनाते थे और उस पूरे पूरे सेक्शन में या पूरे उस डिपार्टमेंट में, प्राइमरी डिपार्टमेंट में, सेकेंडरी डिपार्टमेंट में, मिडिल डिपार्टमेंट में हेड बॉय बनता था, हेड गर्ल बनती थी। और बेटे यहां पर बिल्ला लगता था, हेड बॉय, हेड गर्ल, मॉनिटर, प्रीफेक्ट। मैं ये क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो हेड बॉय है ना, वो जो प्रीफेक्ट है ना, वो जो मॉनिटर है ना, वो बेटे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड बॉय पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे स्कूल में ऐसे अगर हेड बॉय कोई गलत काम करे तो हम कहेंगे कि पूरे स्कूल में ऐसे ही करते होंगे, और हेड बॉय कोई अच्छा काम करे तो हम क्या कहेंगे, पूरे स्कूल में ऐसा ही सब कुछ है। इसका मतलब हमने क्या किया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव। और बेटे उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम था कर्ता, कर्ता ही सब कुछ करता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, क्योंकि बेटे सारे मेंबर्स से थोड़ी हम पूछ सकते हैं, हम सारी कंपनी की मूवमेंट थोड़ी देख सकते हैं, हम तो पागल से हो जाएंगे अगर हम ये काम करने लग जाएंगे तो। हाँ, अगर हम हर क्लास के मॉनिटर को चूज कर लें और उस मॉनिटर से पूछें तो हम काफी हद तक ये बता सकते हैं कि बाकी क्लास के बच्चे किस तरह के हैं। तो बेटा होना भी ऐसा चाहिए, सैंपलिंग करनी चाहिए। तो इसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, उन 12,000 कंपनीज में से हर क्लास के, हर इंडस्ट्री हर क्लास के मॉनिटर को चुना और ऐसे 30 मॉनिटर चुन लिए, 30 स्क्रिप्ट्स चुन लिए। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही क्लास से 3-4 मॉनिटर मिल गए, एक ही इंडस्ट्री से 3-4 मॉनिटर मिल गए। जैसे बैंकिंग सर्विसेज में कहूं, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, अभी चारों मुझे लगे बहुत अच्छे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो मैंने उस क्लास में से 4 मॉनिटर ढूंढ लिए, सीमेंट में से ले लिए, टायर में से ले लिए, FMCG से ले लिए, ऑयल गैस से ले लिए, एल्यूमिनियम से ले लिए, फार्मास्यूटिकल से ले लिए। मैंने क्या किया, इस स्कूल के अंदर जितने भी सेक्शन है उनमें से 1-2 रिप्रेजेंटेटिव आए और उनको कहा ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। अगर ये ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बूम में जा रही है, और अगर ये नीचे जाएंगे मतलब इनके प्राइसेस अगर पिछले दिन के कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि मार्केट गिर रही है। इस 30 कंपनी के जुमावड़े को, इस 30 कंपनी के जुमावड़े को हम कह रहे हैं सेंसेक्स।
ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 50 कंपनियों को ढूंढा झुंड में से और उन 50 को कहा ये ही मेरी है रिप्रेजेंटेटिव, अगर ये ऊपर जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट ऊपर जा रही है और अगर ये नीचे जाएंगी तो हम कह सकते हैं हमारी मार्केट नीचे जा रही है। अब बेटे इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बातें कर रहे हैं, आप बताइए इकोनॉमी प्रोग्रेस कब करती है? जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, जब कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें, इन्फ्लेशन हो, तो बेटे अल्टीमेटली उस इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। तो इकोनॉमी ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर डिमांड इज मोर, प्राइस इज इंक्रीजिंग, इन्फ्लेशन इज देयर, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड बॉय, हेड गर्ल बेटे मैं एक्स एक्सिस में टाइम लिख रहा हूं और यहां पर उन 30 कंपनीज का जो मैंने एक पोर्टली बनाई है सेंसेक्स लिख रहा हूं, तो बेटे डे वन डे टू डे थ्री डे फोर आप बताइए जब मेरी की मूवमेंट आप ऐसी देखते हैं तो मैं अगर अप मूवमेंट जा रही है बुल सांड तो मैं कहूंगा 12,000 कंपनियां सांड जैसी है और अगर डाउन में आ रही है तो मैं कहूंगा 12,000 कंपनियां भालू जैसी है। और बेटे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में सेंसेक्स का ऊपर जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहां पे लिखा है क्या सेंसेक्स एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इंडिकेटर है? मैंने कहा बिल्कुल है, 101% है। तो आइए जी एक बार बुक खोल लेते, आइए मेरे बेटे, आइए सेंसेक्स इज द कॉमन नेम फॉर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिविटी इंडेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 30 largest and most actively traded stocks representative of various sections, various sectors, मैंने कहा ना 14-15 industries और sectors हैं, उन सब के representative को इकट्ठा। तो बेटे आप देखिए जी next page में it is a barometer of stock exchange. Sensex is not only scientifically designed but also based on globally accepted construction and review methodology first compiled in this। तो बेटे मैंने आपके लिए मसाला पूरा लिख दिया है कि what is Sensex, आपको notes नहीं बनाने, मतलब भी समझा दिया। Sensex is a group of 30 companies, a representative of Bombay Stock Exchange. If the change in the price of these 30 companies tends to an total increase in Sensex, I will say 12,000 companies mota moti are increasing. Hence, it is a economic progress indicator. तो मुझे लगता है आप इसी तरह से निफ्टी के लिए लिख सकते हैं। मान लेता है वो निफ्टी का आ गया तो क्या हुआ बेटे, लिखना यही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जगह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 30 की जगह 50 निफ्टी। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आ रहे हैं।